हारून को मैंने खुद इनवाइट किया, मैंने कहा क्योंकि हारून को भी मतलब एज अ स्टूडेंट है तो सक्सेसफुल स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट और सेल ला रहा है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स को कुछ मसले मसाइल हैं, क्योंकि यकीन करें मेरा इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें ये मसला है ये मसला, तो उसके लिए आपका कौन सा रास्ता या दरवाजा कह लें कि ओपन है स्टूडेंट्स के लिए? जो मेन आपका फर्क आएगा, एक तो आपकी सीपीएम टिकटॉक ऐड पे चला रहे हो सेम आपको सीपीएम पड़ेगा, सीपीएम जिनको नहीं पता कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। तो यार देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद बातें हैं, ये मेरी आपने लाजमी सुन लेनी है, देन आपने वीडियो देखनी। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता तो चल जाएगा अगर मैं अनस अली से मिलने गया था, और आगे क्या हुआ वो आपको वीडियो में सारा पता चल जाएगा। मैं कहाँ से गया, किस तरह गया, बाइक पे गया, ठीक है, लेट हो रही थी, जल्दी थी, जो भी थी, वो सारी आपको व्लॉग में बातें पता चल जाएगी। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि ये आप स्क्रीनशॉट देख लें, पिछले तकरीबन एक मंथ से हमारा ये ना पेंडिंग था। अनस भाई मेरे कह रहे थे आओ मेरे पास आओ, ठीक है, तुम्हारे जो मसले वगैरह वो हल करते हैं। कल ना मुझे कल मैसेज आया अनस भाई का, वो कह रहे थे कि कल का दिन रख लेते हैं, थर्ड डे है तो ईजी सीन हो जाएगा, कल मिल लेते हैं। मैंने कहा चले मैं मिल लेता हूँ। फिर मैंने भाई अपने ग्रुप में मैसेज किया, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें मैं सबके साथ वन बाय वन अटैच हूँ, जो भी मसला आता है किसी को शॉपिफाई सीखने में जो भी मसला, मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई दूँ। 10 से 12 उसकी चैट ओपन हो जाती है, वहाँ पे सारे रिप्लाई वगैरह दिए जाते हैं। कल जैसे अनस भाई ने मुझे कहा कि कल का टाइम रख लेते हैं, मैंने कल ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया कि मैं अनस भाई से मिलने जा रहा हूँ, अगर किसी का कोई मसला है या उनसे कोई सवाल है तो भाई मुझे मैसेज करके बताएं। काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल में आगे मैसेजेस वगैरह किए हैं कि आप ये उनसे पूछें, आप ये उनसे पूछें, ये उनसे पूछें, तो वो सारी बातों का जवाब मुझे मिल गया, ठीक है। इस व्लॉग में भी है, उसमें भी आपको उन बातों के जवाब मिल जाएंगे। और जो अनस भाई ने कहा था से वीडियो बनाई है, ठीक है यार, देखो मैंने भी इनके खिलाफ वीडियोज़ वगैरह बनाई है, ठीक है, मुझे अल्लाह मेरा रब गवाह है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ना ही उन्होंने कोई पैसा दिया ना ही किसी तरह कोई ड्रामा दिया, ठीक है। बात यह है कि यार देखो, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ समझाई हुई है यार, इस तरह सीन्स होते हैं, इस तरह मेरी सेल्स आ रही थी, मैंने आपको फर्स्ट डे दिखाया कि मेरी सेल्स आ रही थी, मुझे कोई मसला नहीं था, मसला सिर्फ उनका था कि यार जिनको टाइम पे रिस्पांस नहीं था मिलता। बाकी ये यार देखो, जो भी बातें हुए सारी इस वीडियो के अंदर है, इस व्लॉग्स के अंदर है, कुछ अनस भाई ने अपनी अलहदा यूट्यूब के लिए वीडियो बनाई है, वो भी उनके चैनल पे मिल जाएगी। साथ मेरे एक सामने स्टूडेंट बैठा था, उसकी मैंने खुद चेक किया, आप वो अनस भाई के यूट्यूब पे वीडियो डाले के मैंने खुद चेक किया, उसकी जो आज की सेल थी ना वो तकरीबन 6 लाख रुपये उसकी सेल थी सिर्फ आज की, और उसकी 3 दिन की सेल मिलियन प्लस थी ये ईद के 3 दिन की, ठीक है। बाकी ये देखो, जो भी सीन्स है किसी को जज करने से पहले ना इज्जत और जिल्लत रब देता है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। बाकी ये व्हाट्सएप ग्रुप का यार लिंक नीचे है, ठीक है, कमेंट्स में कुछ भी कहने से पहले ग्रुप में आगे जो सबके सामने खुल डुल के कहना, ठीक है। मैं कमेंट्स आपके डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ग्रुप में आपके मैसेजेस नहीं डिलीट कर सकता, ठीक है, वहाँ पे जो भी बात होगी वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, मसला नहीं है। बाकी ये अनस भाई से बात हो चुकी है, अगर किसी का कोई और मसला वगैरह, उन्होंने कहा कि यार इंस्टाग्राम खुला हुआ है, PHA Phase 4 का ऑफिस खुला है, वहाँ पे आए उनसे आगे खुद ही मिले फिजिकली जाके, ठीक है, कोई मसला वगैरह आता है उन्होंने अपनी वीडियोज़ में कह दिया हुआ है, एक आधे दिन में वीडियो तो अपलोड हो जाएगी, मसला नहीं है। बाकी ये क्या वीडियो वगैरह देखें और जज ना कीजिएगा, ये कह लें कि एज आ एक पॉडकास्ट वीडियो है, ठीक है, जिसमें सवालात के जवाब और सक्सेस स्टोरी इस तरह की कुछ बातें थी। मैं हेटर बन के गया था, हेटर था, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने याद है मेरे टिकटॉक का एक मसला कहा था, यार देखो जो लोग मेरे से शुरू से अटैच हैं उन्हें पता है, ठीक है, मैं शुरू में सबको साथ लेके चलता हूँ कि यार अब मैं अनस भाई से मिलने जाऊँ या ना जाऊँ, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि ना जाऊँ, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि जाओ आप, ठीक है, अगर आपका फायदा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो जाओ, ठीक है। सब कुछ मैंने आपके कहने पर किया, आपके डिसीजन लेने पर किया, पोल लगाया था मैंने, वो भी इधर की स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है, अगर मुझे वो चैट में मिल गया तो, चैट काफ़ी ऊपर चलेगी होगी वो पोल वाली, पोल लगाया था जिसमें मैंने कहा था कि अनस भाई से मिलने जाऊँ या ना जाऊँ, तो आप लोगों ने कहा था जाओ जरूर जाओ, ठीक है। तो बाकी जो भी किया मैंने आपके कहने पर किया, ठीक है, आपके साथ ही मैं फुली टाइम अटैच्ड हूँ। बाकी आप व्लॉग वगैरह देखो, वीडियो वगैरह देखो, जो मसले मसाइल होंगे वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये कि आपका भाई भी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हर तरह बैठा हुआ है, अगर अनस अली से किसका कोई पर्सनल इशू है, कोई भी मामला था, इंस्टाग्राम उसका भी ओपन है, और साथ में उसका जो DHA 4 का ऑफिस है वो भी ओपन है, ठीक है। एड्रेस मैं दे देता हूँ, DHA Phase 4 81DD Plaza, ठीक है, 81CC Plaza आई थिंक, फिर भी मैं कन्फर्म कर दूंगा, वो वैसे भी उनके पोर्टल पर है, ठीक है, पोर्टल पर एड्रेस भी है, मसला नहीं है। तो बाकी ये कि आप व्लॉग इन्जॉय करो, मैं ज़रा अभी आया हूँ तो कुछ खा पी लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक विद कहना था डे और कहना था व्लॉग, आज है जी ईद का Day 3 और अभी जो टाइम हो रहा है 2:30 बजे, ठीक है, 2:30 बजे, और आज जा रहे हैं जी हम अनस भाई से मीटअप करने, जिन लोगों को नहीं पता अनस भाई का, असली शॉपिफाई किंग, ठीक है, टिकटॉक पे कहीं ना कहीं तो आपने देखे ही होंगे, मेरी वीडियोज़ में भी कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। बाकी है कि यार आज उनसे अभी जा रहे हैं मीटअप करने, ठीक है, और कुछ चंद बिजनेस की बातें, कुछ चंद तासुरात वगैरह, कुछ भी जो भी बातें होंगी वो वहाँ पे जाके बाकी डिस्कस कर लेंगे, अभी बहुत लेट हो रहे हैं। मैंने साथ कुछ 2-3 दोस्त किए थे, लेकिन वो खली बली कुछ फिल्में करा गए, ठीक है, बाकी इस टाइम हम जा रहे हैं, 3 से 4 दिन होंगे, वापसी में हम जब आएंगे तो कुछ खा गएंगे, मैंने कहा प्रोग्राम बना, मैं तो इमरान पहले जाने लगा था, फिर हमने कहा यार बोर हो जाएंगे इस तरह, तो फिर हम 4 दिन अब जा रहे हैं, तो तकरीबन हमें लग जाएगा 1.5 घंटा लग जाएगा जाते जाते बाइक पर जाना, ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। बाकी है कि अभी मैं निकलने लगा हूँ, वीडियो का आप लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रस्ते में आपको मिलता हूँ, रस्ते में कुछ पॉइंट्स आपको दिखा दूंगा, बाकी DHA में पहुँच के, ठीक है, DHA जाना है, ठीक है, गूगल पे लोकेशन लगा लूँ के, तो अभी बस निकलते हैं,
अब देखते हैं कब आपको DHA में जाके कब तक मिलते हैं। बाकी है कि अभी बाइक भी पकड़नी है दूसरी, वो ही पकड़ते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चुप करने के नहीं रो, चल ठीक है, ओके, चल वापस जा। हाँ भाई दूसरा तेरा मामू आ रहा है, चल ओके आ भाई पीछे ले जा, भाई पीछे ले जा, मैं चीज ले आ गया, भाई पीछे ले जा, मैं चीज ले आ गया। चलो बाहर आ लिया है कि अभी हम निकलने लगे हैं, ठीक है, साथ मामू है, मैं और इमरान, हम बस निकल रहे हैं, तो बस पहुंचते हैं फिर जाके वहाँ पे, वापसी पे कुछ खा भी आएंगे, बाकी अनस भाई देखते हैं फिर क्या खातरदारी करते हैं। और चलो फिर मारो किक्का यार, गर्मी लग रही है हल्की फुल्की, थोड़ा दूर जाना है। 346 minutes later जी आ गए हैं वेल्थ यूनिवर्सिटी, ये अनस भाई का डाला है, बाकी हम पहुंच गए हैं। सारा है रास्ते ड्राइविंग करते हैं, गूगल ने बड़ा जलील किया, अभी मैं मैसेज करता हूँ अनस भाई को, ऊपर चलते हैं। इस टाइम मेरी बात, इस टाइम कैमरामैन हो गया चेंज, ठीक है, अनस भाई है अंदर, और अभी जाते हैं जाके उनसे बात करते हैं, जो भी सारे मामला था वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। आया मानी अंदर ऑफिस में, कैसे है अनस भाई, ठीक ठाक बैठो, आ गए जी जी जी, वीडियो बन रही है जी, बन रही है वीडियो, व्लॉग बन रहा है। मैंने एक तो मैं बता दूं कि वीडियो बना रहा है और क्यों बना रहा है, एक तो अरुण, अरुण की वीडियो देखी थी, अरुण का कैसी वीडियो, तकरीबन 3 हफ्ते हो गए, आई थिंक 3 हफ्ते हो गए अरुण की, अरुण ने वीडियो लगाई 3 हफ्ते हो गए। हां तो अरुण को मैंने खुद इनवाइट किया, मैंने कहा क्योंकि अरुण को भी मतलब है स्टूडेंट है, तो सक्सेसफुल स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट, और सेल आ रहा है, पहले तो ये बात दबो क्लियर करूं, सेल आ रही है, सेल आ रही है, प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल। मैंने से पहले Shopify का किसे पता आपको, Shopify का पता तो आपसे ही चला था, हां पर CTM पर आगे आ गए, आगे फिर आगे जी। तो अब बेसिकली मैंने इसको बुलाया कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इश्यूज थे, तो मैंने कहा स्टूडेंट को इश्यू भी सॉल्व किए जाए, और इसको भी बुलाया जो इसको मसले हैं वो भी, अब क्या मसला आ रहा है, इसको मसला मेन जो मसला था ना वो TikTok का मसला आ रहा था, पर मैंने वेल्थ यूनिवर्सिटी में सो रहा था, बोल रहा है कि जो TikTok अकाउंट है ना वो वैसे ही नंबर हमने बंदे का शेयर किया हुआ है, मुनीम नाम है, वो बंदे का नंबर किया था उसके TikTok अकाउंट से भी, पर TikTok का फुल पाकिस्तान को पता चल गया, पाकिस्तान का इशू चल रहा है पूरा, अभी TikTok में टॉप अप नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एक तो पता नहीं हारून को पता है कि नहीं, जिसकी वजह से हमने मेटा की क्लासेस और रखी हैं, मतलब अप्रैल बैच जो मेरा स्टार्ट हुआ 20 अप्रैल को, उसकी 8 क्लासेस की जगह 10 क्लासेस हैं, 8 की 10 हैं, और जो 9 और 10 क्लासेस उसमें पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं, हारून अगर मेटा की क्लास लेना चाहें हारून भी ले सकते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हारून को सब्सक्राइब किया हुआ या जितने भी फॉलोअर मेरे हैं वो 9-10 क्लास ले सकते हैं, ठीक है, ये पता था, सही है, पता था नहीं, पता नहीं, पता है तो ये मैंने देनी है, जो काम करने वाले, क्योंकि जो लोग कोर्सेज करने आ रहे थे ना, वो बात आपकी सही थी जो आपने वीडियो डाली थी कि बच्चे क्लास में भी सो रहे होते हैं, ठीक है, 8 दिन मांगे थे, 8 दिन दे सकते, और मुझे बताओ कि अच्छा कुछ लोग कहते हैं महीना कम है, महीना कम है सीखने के लिए, महीना काफी सीखने वाला बंदा हो तो उसके लिए महीने से, आप में से था जो नहीं सीखने वाला, मतलब यार के अल्लाह की तरफ से है कि यार वो बंदा समझता है कि मुझे लेट समझ आती है, आप बंदे को अपने आप को बताओ यार क्लास में पढ़ने के बाद क्लास ले रहे हो, स्कूल वाला काम जो होता कि घंटे की घंटे का लेक्चर है, बंदा एकदम खो जाता है ना, में खो जाता है, उस तरह तो बच्चा तो मोस्ट वेलकम है, मेरा अप्रैल बैच आना है, इसमें आपको मैं चीज दे दूंगा, कोई मसला नहीं, और कुछ पूछना है मेरे से, और बाकी आपसे वो प्राइवेट लेवल के बारे में पूछना था कि आगे जाके USA की मार्केट में ना प्राइवेट लेवल करने का सोचा है, ठीक है, अब उसमें आइडियाज भी हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की है, मैन्युफैक्चरिंग सारी खुद की है, ठीक है, LLC, वेयर हाउस, कौन सी चीज है, क्लोथिंग, कपड़े, कैप्स वगैरह, ठीक है, उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा, पैसा लगा लेंगे, नहीं अगर गो फॉर इट, पर मैं कहूंगा अगर आप खुद अपने लिए करना चाह रहे हो अभी टू अर्ली फॉर यू टू नो द प्राइवेट लेवल ब्रांड, आप पैसे स्टूडेंट कर पे आके जी सर, आज के वो अभी 2-3 महीने में प्राइवेट लेवल वो भी US की मार्केट में लॉन्च करना, लॉन्च्ड है ऑलरेडी, बस Shopify पे उसे लाना है, मैं आपको एक वेबसाइट बनानी है, मैं आपको कहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको पहले पाकिस्तान में ब्रांड लॉन्च कर, उसके बाद इंटरनेशनल पे देखते हैं, कुछ क्वालिटी इस तरह के पाकिस्तान में लोग अफोर्ड नहीं करते, पाकिस्तान में लोग चीजें अच्छी नहीं पहनते, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी को लॉन्च करो, उसको जरा होल्ड कर लो थोड़ा, अगर जो इन्वेस्टर है आपका जिसका पैसा उसे बोल पाकिस्तान में दे, कितना चाहिए प्राइवेट लेवल पाकिस्तान में 2-3 लाख, यूके में पाउंड पाउंड कितने का, 300-350 का, 2000 पाउंड इधर लगा दे, क्या जा रहा है, 2-3 महीने वेट कर लो, सबर नहीं होता जी, जंग पूर्ण है ना, मैं भी ऐसे ही था, 17 जब मैं भी 18 का था, मैं भी ये था कि आज कल मैंने नहीं होना,
मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 3,000-2,000 pounds लगा के पाकिस्तान में 2-3 दिन ट्रैवल एंड ब्रांड करो, ऐसे चलता है ना, पेमेंट गेटवे चाहिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद 2 महीने समय को साथ स्टोर बना लो, स्टोर बना के सेट करो कि भेज थोड़ा थोड़ा सेट कर रहा है। और यूएस यूके में बता दो, यूके में पाकिस्तान में मेटा में आपको प्राइवेट लेवल भी रेकमेंडेड है, पर यूएस में मेटा भी रेकमेंडेड है, तो मेटा में आपको ऑर्डर आएंगे, महंगे पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। चीज़ है दो चीज़ें, जब आप प्राइवेट लेवल लॉन्च करते हो ना पाकिस्तान या मेटा या किसी को बता, पाकिस्तान या फिर यूएस, तो आपने हर प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाओ, स्नैपचैट पर चलाओ, गूगल पे चलाओ, यूट्यूब पे चलाओ, गूगल का मतलब यूट्यूब भी है, ठीक है। वजह क्या है इसकी, आपको स्नैपचैट से ऑर्डर नहीं भी आ रहा ना, आपकी ब्रांड प्रेजेंस बन रही है। अब देखो आप स्नैपचैट यूज कर रहे हो, स्नैपचैट पे आपने प्रोडक्ट ऐड देखी है, नहीं ऑर्डर किया, जब वही आपको इंस्टाग्राम पे नजर आएगा आपकी ब्रांड की प्रेजेंस बड़ी बिल्डअप हो जाती है, तो ये बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं अपना एक प्राइवेट लेवल ब्रांड लॉन्च कर रहा हूं, मैंने अपना बहुत सारी स्टूडेंट्स को दिखाया था कि लोगों का, मैं आपको नाम बता रहा हूं, चलो हर उनकी वीडियो में नाम मैं बता रहा हूं, पहली दफा सोशल मीडिया पे, अच्छा एस पाडा नाम है मुझे काफी इस तरह की ना मुश्किलात का सामना था, ठीक है, काफी पहले थोड़े गिले भी थे, लेकिन जब आपके साथ मैं वन टू वन अटैच्ड हो गया, आपके साथ बात वगैरह कुछ, फिर मेरे मसले सॉर्ट आउट भी हो गए, फिर मैंने कहलाया था ग्रुप भी बना लिया। अब ये है कि पोर्टल पे अभी तक तो हमने ठीक है वो पोर्टल पे स्टैंड दरास का कोर्स है, शॉपिफाई का और एक गूगल का, गूगल का टिकटॉक का रिकॉर्ड हो गया, आगे वो भी डालने लगा, ठीक है। अभी आपको कोर्स के अलावा मेरी रिकॉर्डिंग देखनी, कितने घंटे का कंटेंट है आपने क्यू एंड ए भी लगाया सारा लगा, आई थिंक है वो काफी है, काफी है, अब मुझे बताओ एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन काफी, मुझे बताओ कि पूरे पाकिस्तान में जो 50,000 या 30,000 वाले कोर्स हैं फिजिकल, उनमें इतनी चीज को दे रहा है, सच बोल रहा है, इतनी चीजें प्रोवाइड कर रहा पूरे पाकिस्तान में, नहीं अभी तक सुना नहीं, नहीं तो फिर क्यों इसमें, अब आप कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, मैं तो कमा रहा हूं, पैसे पूरे हो गए अभी, हो जाएंगे नहीं होने वाले, हो गए होने वाले, बस होने वाले, अभी तो रमजान में दो बड़े सो गए, मैंने बस काम किया है 4 से 5 दिन सिर्फ, जब से सीखा है, वो इसलिए कुछ ऐड यानी कि बजट का इशू हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरी कुरियर में पेमेंट फंसी हुई है, वो मिल नहीं रही लैपटॉप वाला, हाँ ट्रैक्स बोला था, ट्रैक्स में मेरा अकाउंट ओपन हो गया था लेकिन वो पता नहीं एक्टिव ही नहीं था हो रहा, पीछे से लैपटॉप मेरे नज़दीक था, फिर एक मेरा दोस्त था वो यूज़ कर रहा था लैपटॉप, उसने मुझे लैपटॉप के जो सेल्स पर्सन था उसका नंबर दिया, मैंने उससे रब्ता किया, उसने 5 से 6 दिन में मेरा अकाउंट ओपन कर दिया, मैं लैपटॉप के साथ गया, चले ट्रैक्स वाला फिर करते हैं आपसे नंबर लेते हैं किसी का, देखो यही स्टूडेंट कुछ देर में गिले करा था, इसके सॉल्व कर दिए, किसी और को भी गिले हैं तो मैं बैठा हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, कर दूंगा, पर अगर मेहनत करने वाले भी सॉल्व किए हैं, सेल आ रही है, मेहनत ही लड़का है, जो लड़का मेहनत नहीं कर रहा उसके लिए मेरे दरवाजे बंद हैं, ठीक है। अब बात यह है कि मेरे जो मसले थे, जो भी शिकायतें थी, मैंने वीडियोज़ वगैरह डाली, अनस भाई ने फिर मुझसे रब्ता किया था कि आपका जो मसला है वो टिकटॉक वाला, वो तो तब मैंने खुद नहीं था वो मसला हल किया, जबकि मैंने वीडियो डाली थी टिकटॉक के रिलेटेड, अनस भाई ने कहा था कि 1-2 दिन तक मैं ये मसला हल कर रहा हूँ, वो मसला हल हो गया, लेकिन ये है कि उसके नेक्स्ट डे ही मुझे वो मसला जो था टिकटॉक के टॉपअप का मसला, वो मैंने हल निकाल लिया था। अब बात यह है कि अनस भाई इसके अलावा जो स्टूडेंट्स को कुछ मसले मसाइल हैं, क्योंकि यकीन करें मेरा इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें ये मसला, तो उसके लिए आपका कौन सा रास्ता या दरवाज़ा कह लें कि ओपन है स्टूडेंट्स के लिए, कम्युनिटी में भी मैसेज पोस्ट कर सकते हो, पर आपको पता है कि उनके सिर्फ उनके लिए जिनका जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पोर्टल पे सारा कुछ देखा है, सारा कुछ काम किया, क्लासेस 8 की 8 ली थी, उसके बाद उनको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो फिर मेरे दरवाजे खुले। अगर इनके मसले पता है क्या होते हैं, ये कहते हैं सप्लायर जवाब नहीं दे रहा, सप्लायर को चाइना वाले सप्लायर को क्या कह रहे हैं, 2 पीस भेज दो, जो 100 दफा बोला है 250 पीस चाइना से मंगवाने का, चाइना से तो 2 पीस लोकल सप्लायर आपको दिया हुआ है, उसके पास सामान नहीं है तो वो कहाँ से लाए, वो आप खुद मेहनत करनी पड़ेगी, घर बैठे बैठे सामान नहीं आता। कुछ स्टूडेंट्स का ना ये भी मसला, जिस तरह वो कुछ नहीं, कुछ बलोचिस्तान से या दूर दूर से आते हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे होलसेल मार्केट नहीं है, अब वो भी उसमें भी वो आपको ही अब गिल्ट कर रहे हैं, मेरा इसमें मेरी क्या गलती है, अगर आपके वहाँ होलसेल मार्केट नहीं है, अब मैं तो नहीं जाके, अगर वो ऑनलाइन मंगवाते हैं जो कि आपने नंबर्स प्रोवाइड किए थे उसमें, फिर थोड़ा से तो हाई प्राइस देनी पड़ेगी, 50 आपको ऑनलाइन जो बंदा बेच रहा है सामान उसने पैसे तो रखने हैं, वो क्यों बेच रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, उसने भी कमाना है, वो फ्री में थोड़ी करेगा, होलसेल से महंगा आपको बेचेगा, अगर आपको उसका रेटिंग पसंद, मैंने इनको तरीका बताया था, इसको भी तरीका बताओ, वो पता ना और सप्लायर ढूंढना कैसे दराज का, जी वो बताया, ये भी स्टूडेंट ही है, इसको पता है दराज का कैसे ढूंढना सप्लायर, तो ये भी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, उसके भी यार पढ़ दिखा, आपने जो पर लगे हुए हैं, लगे हैं पर, नहीं पर नहीं लगे,
कर्ज है तो आप लोग ही कर सकते हो, तो ये जरा सीन है। तो बाकी जिसने अगर उसके बाद भी किसी को कोई मसला है, कोई समझता है कि यार वो जरा स्लो है सीखने में, तो अप्रैल बैच में उसको एडजस्ट कर दूंगा, कोई इतना मसला नहीं। पर उसमें और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये भी एक हमारा एक प्रीमियम बैच मैं लॉन्च कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें मैंने 150 से 200 स्टूडेंट चूज़ किए हैं जिनको मैंने एक स्किल खुद खुद मेंटोर बन के सिखाना है। उसमें ये भी सिलेक्ट है, स्क्रीनशॉट इधर मैं लगा दूंगा और बाकी तो स्क्रीनशॉट लगा देंगे, तो इंशाल्लाह मजा आएगा। ठीक है अरुण, ठीक कुछ है और कुछ? और अरुण क्योंकि ऐसे बच्चे और जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सेल्स ला रहे हो, अच्छे बच्चे हो, तो मेरे ऑफिस आप टाइम टीम से रब्ता करो, जब चाहो मेरे ऑफिस आ सकते हो। पर सेल्स वाले बच्चे बाहर भी बैठा हुआ देखे सामान सेल वाला ही है। अच्छा ठीक है, सही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना, अच्छा काम कर रहा है। बाकी आपसे फिर करते हैं बाहर जाके कुछ चंद बातें। मुझे सही नहीं समझ आई, और सेल आई है मतलब को प्रॉफिट आ रहा है, इसको मैं फेल ही नहीं बोलूंगा क्योंकि ये प्रॉफिट कमा रहा है। फिर भी अपने आप को ये मतलब एज अ फेल कंसीडर करता हूं, मैं खुद हैरान। तो मैंने इसको ऑफिस बुलाया तो इसके चैनल पे तेरे जितना तो डाला ही है वो। ओए बैटरी लो कर दिए तुम लोगों ने यार। बाकी जो भी बात है आपके साथ अब कर करता हूँ, अनस भाई के साथ मिल लिया, ठीक है। जो जो बातें हुई हैं, जो सारे मामला हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे तो नहीं बता सकता, घर जाके बाकी बात करते हैं, ठीक है। जिस फोटो चलो सही आ जाती है, बाकी है कि अभी कुछ खाने पीने चलते हैं। यार बैटरी इसकी लो है, अच्छा अजान का टाइम है। मैं आपको ना खाने वाली जगह पे जाके घर जाके बाकी सारी स्टोरी बताता हूँ। मीटअप अच्छा हुआ है, जो मामला तो है आपके साथ भी डिस्कस करता हूँ। आपका पता है भाई, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भाई आगे लेके चलता है, बाकी फिर जो भी है बाकी बाद में। बाकी इनकी यार पिक्चर्स खींच रही अजान हो रही है। जिदा का तुम दसिया मानी ओनू मामू नू नाल लै के मैं आ गया पंजाब टिक्का हाउस तो। अच्छा टटी खान मेरी बैटरी लो है, मैं ऊपर जाके आपको सारा मेन्यू वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है ना। ऊपर जाना है यार, अभी जो टाइम हो रहा है ना, ये अगर आपको मैं फोकस करके दिखाऊं, ये देखो 20 बजे से मुराद है 8:31 हो गए और तकरीबन 45 मिनट हो गए हमें आर्डर दिए, और अभी तक हमारा आर्डर नहीं है। भूख लग रही है, मामू भी भूखे बैठे हैं, सारे हम भूखे बैठे हैं, और 45 मिनट हो गए अभी तक आर्डर नहीं है। रायता देंगे, तसल्ली देंगे हमें, बाकी देखो कब तक आर्डर वगैरह आता है, आर्डर वगैरह खाए यार फिर चले। कसम से भूख लग रही है, दिमाग खराब हो रहा है इस टाइम मेरा। क्यों मेरा भाई ऐसे ही यार, फाइनली फाइनली ना ना कर रोटी आ गई, तकरीबन 10 मिनट बाद आ रहे हैं। सादा ही नाने को और पकड़ लो, बाकी यार अभी खाना शाना खा के आपको मिलता हूँ, टेस्ट अच्छा होता है। चलो घर यार, गाइस घर में आ गया तो ठीक है, आपको बाकी मैंने बता दिया, वीडियोस वगैरह आपने देख लिए, ठीक है। अनस भाई के चैनल पर वीडियो आ जाएगी, शुरू में भी मैंने आपको जो बातें कही हैं उनको हमें ना समझना, ठीक है, वो वाकई ही में बातें हैं, ठीक है, रियल बातें हैं, जो बातें हुई हैं सही हुई हैं, ठीक है। इस पर कुछ भी इस तरह का नहीं था कि ये झूठ हो, ठीक है। मेरे जो मसले मसाइल थे मैंने शुरू में मैंने आपको कहा, मैंने जो लोग शुरू में मेरे साथ अटैच हैं 300-400 वो मेरे साथ अभी तक अटैच हैं, उन्हें सारी बातों का पता है, ठीक है। बाकी ये कि अभी का करते हैं आज का ब्लॉग एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल से काम स्टार्ट करना है, डे आज लास्ट हो गया, डे 3 एंड हो गया, मिलता हूँ आपको कल के ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैंने यार ब्लॉग डे 2 का ब्लॉग नहीं डाला, मुझे ये आज डालना पड़ेगा, मैं ये ब्लॉग डालता हूँ, फिर इसके बाद डे 2 का भी आ जाएगा, वो सही बना नहीं था, उसका भी कुछ करते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।